तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिलहाल तुम्हारा भाई का हो चुका है एस और शायद कुछ पॉइंट और चाहिए, शायद लगभग एस मास्टर के आसपास मेरे को जाना पड़ेगा शायद कॉन्करर के लिए। तो देखते हैं कितना दिन टाइम लगता है और आप लोगों का रैंक और टायर कितना चल रहा है, तो ज़रूर एक बार कॉमेंट करके बता देना। और एक चीज़ की डेली का कितना पॉइंट निकालना चाहिए अभी एस टायर पर, वो भी मैं बता दूंगा आज के वीडियो में। और एक चीज़ स्पेशल रहेगा कि एंड जोन में जो सर्वाइव है ना वो कैसे निकालना चाहिए और इवेंट पे कैसे सर्वाइव है वो चीज़ कैसे निकालना चाहिए। दोनों चीज़ एकदम भरपूर इसमें है, पर चिकन निकालने का जो टिप्स है ना वो मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद नहीं निकाल पा रहा हूँ, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एंट्री होता है ये वाला इवेंट पे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लूट कर लेते हैं हमें और उसके बाद फाइट देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉड भैया जी मिल जाते हैं तो उसको आराम से फिनिश करके यहाँ पे मैं वेट कर ही रहा था तभी और एक फुटप्रिंट आता है तो भी एक बॉड भैया ही निकलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इस वाले बॉट को भी आराम से फिनिश करके ना मैं इस वाले कंपाउंड पे आ जाता हूँ थोड़ा सा लूट करने के लिए। और यहाँ पे कंपाउंड में बस लूट कर ही रहा था तो नीचे साइड से मेरे को फुटप्रिंट आता है, बंदा एकदम सीधा घुस जाता है मेरे पे और यहाँ पे सीन देखो। तो फिलहाल इस भाई को आराम से शॉटगन से फिनिश कर देते, भाई तो तुरंत घुस गया था पर जैसे जैसे भाई को फिनिश कर देते उसके बाद देखो यहाँ पे सामने वाले घर पे भी फुटप्रिंट आ रहा था। मैं थोड़ी देर बाद ना देखता हूँ कि ये वाला घर जो ना वो खाली हो जाता है तो मैं सोचता हूँ भाई इस वाले घर पे छत पे आके ना मैं होल्ड कर लेता हूँ। और हॉट ड्रॉप पे होल्ड करने के लिए ना आपको को कोशिश करना है कि भाई जितना हो सके उतना ज़्यादा होल्ड करके खेलना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे होल्ड कर ही रहा था और मेरे राइट साइड पे एक बंदा है, घर पे बंदा है और लेफ्ट साइड पे जो एकदम पास में जो घर है ना उसके अंदर भी एक बंदा है। तो देखो ये पे दो नेट ट्राई करता हूँ, देखो कौन से नेट से बंदा फूटता है। सेकेंड नेट से बंदा तो फूट जाता है पर मतलब बंदा जो था ना मेरे को स्पॉटेड हो गया था कि मतलब खिड़ी जो दीवार रहता है ना उधर से बंदा मतलब जो है ना ग्लिच होकर दिख रहा था। तो भाई को यहाँ पे इजी फिनिश कर देते और आराम से यहाँ पे चार किल निकाल लेते। और तभी ओपन में वाला बंदा स्पॉट हो जाता है, दूसरे गाड़ी वाले बंदे पे ना स्प्रे ले रहा था, भाई को यहाँ पे इजी फिनिश कर देते। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद ना देखता हूँ आसपास कोई बंदा स्पॉटेड नहीं हो रहा था, उछल कूद करके मैं छत पे वगैरह देख रहा था तभी यहाँ पे एक बॉट भैया जी स्पॉट होते हैं मेरे को। तो फिलहाल इस भाई को किल करने के बाद ना मतलब इस बॉट को किल करने के बाद ना मैं फिर से ये वाला छत पे आ जाता हूँ और यहाँ पे भी दोस्त दे मतलब जहाँ पे मैं पहले बंदे एक किल किया था ना उधर भी एक बॉट स्पॉट हो जाता है तो उसको भी आराम से यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। और यहाँ पे इवेंट पे मेरे को अच्छा खासा 6 किल हो जाता है, मतलब 7 किल हो जाता है, देख ही सकते हो भाई बॉट किल करके ही मैं यहाँ पे किल बढ़ा लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे होल्ड कर रहा था तभी मेरे घर के नीचे से ना साउंड आता है, कोई बंदा मेरे पे घुस रहा है और इस बंदे के साथ कैसे फाइट करता हूँ बस सीन देखो। अभी यहाँ पे मैं बस वेट कर रहा था, बंदा ऊपर आया, मेरे पास भी शॉटगन था और भाई के पास भी डीवीएस था, मतलब समझ रहे हो ना कितना खतरनाक लेवल का फाइट होने वाला है, इसलिए मैं बस वेट कर रहा था बंदा मेरे को स्पॉटेड हो ऊपर आए तो मैं भाई को इजी फिनिश करूँगा। पर भाई यहाँ पे ओपन में नहीं आता, ऊपर भी नहीं आता, तो यहाँ पर सीन देखो अब क्या होता है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या ही शॉटगन चिपका दिया इस 12 के आराम से भाई को, यहाँ पे इजी फिनिश कर देते और अच्छा खासा देख सकते हो 8 किल हो गया है। मैं बस एक ही जगह होल्ड करके बैठा था भाई, हॉट ड्रॉप पे आपको सर्वाइव करना है तो भाई होल्ड करके खेलो, एक ही जगह देखना आराम से यहाँ पे फिनिशेस आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे फिर से मैं ये वाला घर के छत पर आके वेट कर ही रहा था और तभी मेरे को दूसरे बंदे का और एक फुटप्रिंट आता है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है वाला बंदा और इस बंदे के साथ कैसे फाइट होता है बस वो सीन देखो आप लोग। तो ये वाला किल कैसा लगा, मतलब हवा में ही बंदे को फिनिश किया खतरनाक लेवल का, मतलब उड़ उड़ के फाइट हो रहा था ऐसा सीन है। पर कोई नहीं, यहाँ पे भाई का इजी फिनिश कर देते, 9 किल आराम से हो जाता है। उसके बाद मैं फिर से यही वाले कंपाउंड के छत पे वेट करने वाला हूँ और आगे चल के देखना क्या सीन होता है।
तो फिलहाल और एक बर्ड भैया यहाँ पे स्पॉट हो जाते हैं आराम से, इसको भी फिनिश करके ना 10 किल निकाल लेते हो इवेंट पे ही। तो इवेंट पे सर्वाइव कैसे किया बस देख सकते हो, एक ही घर में मैं कंपाउंड में होल्ड किया। और देखो थोड़ा सा धैर्य रख के ना, मतलब पेशेंस रख के जो बोलते हैं ना, वो आपको खेलोगे ना तो इवेंट पे भी अच्छा खासा किल मिलेगा। तो पर ऐसा नहीं कि हर एक मैच में किल मिलेगा, ये मतलब बहुत सारे बंदे सोचते कि भाई मैं होल्ड कर लूँगा, हर एक बंदा आके मेरे से ही किल हो जाएगा, मेरे को अच्छा खासा किल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, कुछ कुछ मैच में आप भी फिनिश हो सकते हो, तो उसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है, आराम से सर्वाइव करो। अभी भी बहुत टाइम है, अच्छा खासा प्लस भी मिल रहा है, बस आपको थोड़ा टॉप 10 निकाल लोगे ना 30 के आसपास प्लस मिलेगा, और किल रहेगा तो 30 के ऊपर भी प्लस मिलेगा। तो इस टॉपिक से मतलब इस टिप से आप खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखो अभी उस जो इवेंट में होल्ड कर रहा था ना, उधर से सर्वाइव करने के बाद ना अपना जो शॉपिंग वगैरह जितने भी जरूरत वाले चीज़ रहते हैं ना, वो सब लेके मैं जोन के अंदर एंट्री ले ही रहा था। और यहाँ पे मेरे को हो जाता है दिक्कत, क्योंकि जोन बना था ब्रिज के उस पर, यहाँ पे जो छोटा सा ब्रिज रहता ना, और मेरे को डाउट था ब्रिज के बाजू में जो मतलब वॉच टावर टाइप का जो है रहता है ना, उधर बंदा है। और इसलिए मैं सोचता भाई थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते आगे चल के कैसे मैं सर्वाइव निकालता हूँ। बस वो सीन देखो, सबसे पहले मेरे को एक जगह चाहिए था जहाँ पे थोड़ी देर होल्ड कर सकूँ जोन आने तक। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे सर्वाइव करने का, नहीं ये जो ब्रिज रहता है इसके भी मतलब साइड में जो एकदम स्टार्टिंग में जो पत्थर है ना, ये वाला पत्थर मेरे को सही लगता है। तो यहाँ पे मैं होल्ड कर ही रहा था, और तभी मेरे को पीछे साइड से फायरिंग का साउंड आता है, और भाई को देखो कैसे फिनिश करता हूँ मैं। भाई साहब क्या ही फिनिश किया, मतलब छत पे बैठ के बंदा किसी और पे स्प्रे ले रहा था, पता नहीं क्या सीन था। तो भाई को यहाँ पे इजी फिनिश कर देते, ऑलरेडी जोन भी यहाँ पे क्लोज इन हो चुका है। तो मेरे को अब चाहिए था जोन के अंदर एक पोजीशन, तो अब सीन देखना कहाँ पे जाके मैं होल्ड करता हूँ। यहाँ पे भाई मैं क्या ही बचाऊँ और क्या ही बताऊँ, मतलब खतरनाक सीन था भाई। लकीली मैं यहाँ पे मेरा जो टायर था ना वो ऐसी जगह आके फूटा था कि यहाँ पे कवर था, लकीली यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं था। तो एंड जोन का सर्वाइव इस टाइप से ही निकालना पड़ता है कि देखो जहाँ पे जाके थोड़ा सा पोजीशन मिल जाता है ना, आपको थोड़ा तुरंत वहाँ पे कैम लगा लेना है, होल्ड कर लेना है, जिससे आपको आराम से सर्वाइव मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीन देखो, ये वाले कंपाउंड में तो आ गया था जो गैरेज टाइप का रहता है, यहाँ पे आके मैं बस वेट कर रहा था, और सामने काफ़ी ज़्यादा गाड़ी वगैरह था। मेरे को लगा कि भाई वो जो क्या बोलते बग्गी है ना उस पर बंदा वगैरह हो सकता है, तो मैं एक नेट ट्राई करता हूँ, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो मैं सोचता हूँ अभी चलो मेरे को यहाँ पे एक गाड़ी मिल जाता अच्छा खासा, तो इसको लेके मैं जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ, और यहाँ पे कहाँ पे जाके होल्ड करूँगा। अब देखो ये वाला जोन जो रहता है ना भाई, पूरा ओपन जोन रहता है ज़्यादातर मैच में, तो आपको पत्थर या पेड़ का कवर ही लेना है। तो यहाँ पे ये वाला पत्थर मेरे को सही लगता है एकदम जोन के एज में, और यहाँ पे बस मैं होल्ड करने वाला हूँ, और आसपास से ना रोटेशन भी जाने वाला है। और यहाँ पे सीन देखो बस क्या ही होता है आगे चल के। यहाँ पे जो बंदा रोटेशन दे रहा था उसको तो इजी फिनिश कर देते, पर यहाँ पे अचानक से पीछे साइड से जोन के अंदर से एक बंदा आ जाता है और मेरे को फिनिश कर देता है। पर कोई नहीं, यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा प्लस मिला, और इसके बाद ही मेरा जो एस है ना वो लग गया था। आप लोगों का क्या रैंक चल रहा है, और क्या मतलब कौन सा टायर चल रहा है, एक बार कमेंट कर देना, जिससे मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और कोई भी मतलब रैंक पुश में कुछ भी दिक्कत आ रहा है ना, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो यही सीन था आज के वीडियो का, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नया आया ना तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।